बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आपका टीचर शबाज़, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 6 का थर्ड यूनिट पढ़ने वाले हैं। आए स्टूडेंट्स, देखते हैं मैथमेटिक्स ग्रेड 6 और थर्ड यूनिट हमारा नेम लॉज ऑफ इंटीजर्स। ये जो हमारा यूनिट है, इस सारे यूनिट के अंदर हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा जो एसएलओ स्टूडेंट्स एट अप टू टू डिजिट्स लाइक एंड अनलाइक इंटीजर्स। आज के हमारे एसएलओ में स्टूडेंट्स मेन ये है कि हमने टू डिजिट्स तक जो इंटीजर्स है उनको ऐड करना है। बट हमारे जो इंटीजर्स हैं वो टू टाइप्स के हो सकते हैं, या तो वो सेम साइन के साथ हो सकते हैं या डिफरेंट साइन के साथ। अगर सेम साइन के साथ इंटीजर्स हैं तो उनको हम लाइक इंटीजर्स कहते हैं, अगर डिफरेंट साइन के साथ होंगे तो हम अनलाइक इंटीजर्स कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, हम क्या कहेंगे? अनलाइक। अगर एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है तो देन भी लाइक है, और अगर एक नेगेटिव है दूसरा भी नेगेटिव है तो फिर भी हम क्या कहेंगे? लाइक इंटीजर्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये भी है कि एडिशन ऑफ लाइक इंटीजर्स, यानी हम सेपरेट सेपरेट डिस्कस करेंगे। पहले हम लाइक इंटीजर्स की एडिशन को देखेंगे, फिर हम अनलाइक इंटीजर्स की एडिशन, और देन हम ये भी देखेंगे कि जो इंटीजर्स हैं उनको थ्रू द नंबर लाइंस कैसे ऐड करना है। तो हाउ टू ऐड इंटीजर्स थ्रू नंबर लाइंस, यानी इंटीजर्स को थ्रू नंबर लाइन स्टूडेंट्स कैसे ऐड करना है, आए देखते हैं। एडिशन ऑफ टू लाइक इंटीजर्स, लाइक स्टूडेंट्स जैसा कि मैं एसएलओ में बता चुका हूं कि दोनों जो इंटीजर्स होंगे उनका साइन क्या होगा? सेम होगा। एग्जाम्पल के अंदर स्टूडेंट्स, -13 एंड -16, ये हमारे टू इंटीजर्स हैं और अप टू टू डिजिट्स हैं, यानी दोनों इंटीजर्स टू टू डिजिट्स के हैं, इसलिए हम इन दोनों को क्या करना चाहते हैं? ऐड, क्योंकि हमारे एसएलओ में है अप टू टू डिजिट्स जो इंटीजर्स हैं उनको हमने क्या करना है? ऐड। अब इसमें स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप हम लिया करेंगे, जैसे भी जितने भी हमारे एग्जाम्पल या क्वेश्चन होंगे, कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारे इंटीजर्स दिए गए होंगे उनके एब्सोल्यूट वैल्यू लिया करेंगे। तो -13 की एब्सोल्यूट वैल्यू एज +13, -16 की एब्सोल्यूट वैल्यू एज +16। स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट वैल्यू हम प्रीवियस जो चैप्टर है उसके अंदर पढ़ चुके हैं, हमने जिस नंबर की भी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होती है सिंपली आपने क्या करना होता है, चाहे वो नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा किसी भी नंबर की सेम नंबर होती है बट पॉजिटिव। अब सेकेंड स्टेप में जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू स्टूडेंट्स हमारी आएगी उसको हम सिंपली क्या करेंगे? ऐड। लेकिन ऐड तब करना है, ये बड़ी क्लियर अपने माइंड में बात बिठा लें, जब आपके दोनों इंटीजर्स सेम साइन के होंगे तो सेकंड स्टेप पे हम हमेशा क्या करेंगे स्टूडेंट्स? ऐड किया करेंगे। अब जब ऐड कर लिया +13 +16, ऐड करने से आंसर क्या मिला? 29। अब थर्ड स्टेप पे हमें ये देखना है कि हमारे दोनों नंबर -13 -16 नेगेटिव यानी सेम साइन के साथ हैं, तो एंड पे जो रिजल्ट हमें मिलेगा एडिशन के बाद हमने साइन कौन सा लगाना है। तो स्टेप 3, द साइन फॉर द रिजल्ट इज कॉमन साइन विच इज नेगेटिव, सो -29 इज योर आंसर। यानी कहने का ये मतलब है कि दोनों जो हमारे इंटीजर्स हैं उनका कॉमन साइन, यानी दोनों नेगेटिव नेगेटिव, तो कॉमन साइन हमारा क्या हुआ? नेगेटिव। इसलिए रिजल्ट के साथ भी हम क्या लगाएंगे? नेगेटिव लगाएंगे, -29 इज योर आंसर। अब फॉर एग्जाम्पल लाइक इंटीजर्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये तो थे विद द सेम नेगेटिव साइन के साथ, अगर यहाँ भी +13 होता +16 होता, आप सिंपली एब्सोल्यूट वैल्यू लेते, दोनों को ऐड करते, प्लस का 29 आता, क्योंकि दोनों नंबर 29 हैं तो सो आपका एंड रिजल्ट भी +29 आता। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ टू अनलाइक इंटीजर्स। स्टूडेंट जैसा कि एसएलओ में मैंने बताया है कि अनलाइक इंटीजर स्टैंड फॉर दोनों के जो साइन है वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, यानी अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा। अब जैसे एग्जांपल में मैंने लिया कि फाइंड द सम ऑफ +17 एंड -14, ये टू इंटीजर्स हैं अप टू टू डिजिट्स, हम इनको क्या करना चाहते हैं? ऐड अप करना चाहते हैं, सम फाइंड आउट करना चाहते हैं। फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स ऑन द सेम लाइन जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में हम पढ़ चुके हैं कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेनी होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू, जो कि ली +17 की एब्सोल्यूट वैल्यू 17 एंड -14 की एब्सोल्यूट वैल्यू 14।
अब सेकंड स्टेप पे हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में मैं आपको क्लियरली बता चुका हूँ कि जब आपके लाइक इंटीजर्स होंगे तो सेकंड स्टेप पे आप हमेशा ऐड किया करेंगे। अगर अनलाइक इंटीजर्स हैं तो देन हमने सेकंड स्टेप पे उनका क्या लेना होता है, डिफरेंस। अब जैसे कि सब्ट्रैक्ट बोथ एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी जो एब्सोल्यूट वैल्यू, एक है पॉजिटिव 17 एंड सेकंड वन इज द पॉजिटिव 14, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बड़ी वैल्यू 17 है, इसमें से 14 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर इज 3। अब थर्ड स्टेप पे हमने ये देखना है कि ये जो हमें सब्ट्रैक्ट करने से आंसर मिला है 3, इसके साथ हमने साइन कौन सा लगाना है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर इंटीजर्स है, वह पॉजिटिव साइन के साथ है, इसलिए रिजल्ट के साथ भी हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव। नंबर 3 विल टेक पॉजिटिव साइन सिंस द लार्जर नंबर 17 इज ऑफ द पॉजिटिव साइन। स्टूडेंट्स, कहने का ये मतलब है कि जो हमारे एग्जांपल में ग्रेटर नंबर है वो पॉजिटिव साइन के साथ है, रिजल्ट भी हमारा इसलिए स्टूडेंट्स क्या आएगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट जो है, एडिशन ऑफ टू लाइक इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। लाइक इंटीजर्स सेम साइन के साथ और नंबर लाइंस के थ्रू कैसे ऐड अप करना है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जांपल हमारी ये है कि ऐड 4 to 5, यानी 4 को 5 में ऐड करना चाहता हूँ। मैंने नंबर्स जो अप टू 2 डिजिट्स नहीं लिया, क्योंकि हमारे एसओएलओ में 2 डिजिट्स नंबर हैं, मैं इसलिए 1 डिजिट्स नंबर लिया है ताकि हमें रियल लाइन जो है, रियल लाइन के ऊपर ऐड करना ईजी हो। मैं आपको बड़ा स्केल के थ्रू भी बता देता हूँ एग्जाम्पल के बाद कि अगर बड़े नंबर आ जाएँ तो देन कैसे ऐड अप करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करिए। स्टूडेंट्स, एक बात ऐड करने से पहले, जब हमारा कोई नंबर पॉजिटिव होगा, जैसे ये आपका प्लस 4 है, हम जीरो से जितना नंबर होगा इतने यूनिट राइट मूव किया करेंगे, ये क्लियर बात है। यानी अगर आपका नंबर पॉजिटिव है तो आप जीरो से राइट मूव किया करेंगे, कितना मूव करना है, जितना आपका नंबर होगा उतने स्टेप्स राइट मूव करना है। इंटीजर्स की बात करते हैं तो जीरो के बाद तो इंटीजर्स 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, तो इसी तरह ये हमारा एक स्टेप बनता है 0 to 1, और 1 to 2 सेकंड स्टेप बनता है। तो 4 स्टेप की जब मैं बात करूंगा तो हम 4 यूनिट्स जो हैं वो राइट मूव करेंगे। अगर नंबर नेगेटिव होगा तो 0 से हम हमेशा लेफ्ट उतने यूनिट मूव किया करेंगे जितना हमारा नंबर होगा, यानी नेगेटिव 2 है तो हम 2 यूनिट लेफ्ट मूव किया करेंगे। ये अगर बात क्लियर होगी तो ऐड करना ईजी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखते हैं एग्जांपल के अंदर, जैसा कि प्लस 4 है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 4 यूनिट राइट 0 to right। अब जैसे कि 0 है तो फर्स्ट 1 2 3 4, यानी हमने 4 यूनिट क्या किया, राइट मूव किया, क्योंकि नंबर हमारा क्या है, प्लस है, तो 0 to 4 ये हमारा क्या है, पोजीशन आगे 4 यूनिट राइट मूव करने से। देन नंबर अगर हम देखें तो वो प्लस 5 है, इसका मतलब जिस पोजीशन पे हम पहुंच चुके हैं, चूंकि नंबर हमारा प्लस 5 है तो स्टूडेंट्स हम 5 यूनिट अगेन राइट मूव करेंगे, तो दैट इज 1 2 3 4 एंड 5, यानी हम 5 यूनिट राइट मूव करें तो पहले हम 4 पे थे, अब हम नंबर लाइंस पे कहां पहुंच गए, 9 पे, यानी पॉजिटिव 9 पे। तो जिस जगह पे हम पहुंच गए एक्चुअली हमारा यही क्या होगा, रिजल्ट होगा, और यही हमारा सम होगा, यानी दोनों नंबर्स को ऐड करने से ये हमारा आंसर होगा। इसलिए प्लस 4 और प्लस 5 आंसर इज 9, क्योंकि हम 9 पे पहुंच चुके हैं। अब अगेन से एडिशन ऑफ टू लाइक इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। पहले दोनों नंबर हमारे स्टूडेंट्स क्या थे, पॉजिटिव, अब मैं ले रहा हूँ नेगेटिव के साथ। एग्जांपल, ऐड नेगेटिव 9 विद द नेगेटिव 1, हम इन दोनों इंटीजर्स को क्या करना चाहते हैं, ऐड थ्रू द नंबर लाइन। स्टूडेंट्स, जैसे मैं बता चुका हूं कि दैट इज नेगेटिव 9, हमने 9 यूनिट 0 से लेफ्ट मूव करना है, तो दैट इज आवर 0, हम 9 यूनिट लेफ्ट मूव करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब हम 0 से 9 यूनिट लेफ्ट मूव किया तो हम नेगेटिव 9 पे पहुंच गए। अब नेक्स्ट नंबर को देखना है, दैट इज नेगेटिव 1, तो हम जिस पोजीशन पे हैं, क्योंकि अगेन नेगेटिव 1 है तो हम 1 यूनिट लेफ्ट मूव करेंगे, नेगेटिव 9 से 1 यूनिट जब लेफ्ट मूव करेंगे तो हम नेगेटिव 10 पे पहुंच चुके होंगे। तो जब हम नेगेटिव 9 को नेगेटिव 1 में ऐड करते हैं तो आंसर इज नेगेटिव 10, बिकॉज वी आर एट द नेगेटिव
10 पोजीशन. तो ये हमारा क्या है आंसर. नेक्स्ट स्टूडेंट, एडिशन ऑफ टू अनलाइक इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन. अनलाइक इंटीजर, जैसे कि स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि दोनों के साइन सेम नहीं होंगे. अब एग्जांपल के अंदर पॉजिटिव 7 नेगेटिव 3 दोनों के साइन सेम नहीं है, इसलिए क्या हुआ अनलाइक. अब इनको कैसे अडॉप्ट करना है. फर्स्ट तो हमारा पॉजिटिव 7 है, इसलिए हम 0 से 7 यूनिट राइट मूव करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 हम 7 पे पहुंच जाए. अब क्लियरली नेक्स्ट नंबर को अगर हम देखते हैं तो दैट इज नेगेटिव 3. अब जिस पोजीशन पे है जब भी नंबर नेगेटिव आ गया तो हमें क्या करना है उससे लेफ्ट मूव करना है. कितना करना है, जितना हमारा नंबर होगा इतने यूनिट लेफ्ट मूव करना है. तो जब 7 पे थे तो हमने नेगेटिव 3 है तो 3 यूनिट लेफ्ट मूव करना है. 1 2 3 यानी जब पॉजिटिव 7 से 3 यूनिट लेफ्ट मूव किया तो हम कहां पहुंच गए 4 पे. अब ये दैट इज पॉजिटिव 4. अब इसलिए अगर 7 को मैंने ऐड किया नेगेटिव 3 में तो आंसर क्या है 4. यानी पहले हम 0 से 7 तक गए क्योंकि पॉजिटिव 7 था, देन नेगेटिव 3 है तो 7 से हमने 3 यूनिट लेफ्ट मूव किया, हम पॉजिटिव 4 पे पहुंच जाए. तो सो इन दोनों का रिजल्ट हमारा स्टूडेंट्स क्या होगा पॉजिटिव 4. अब जैसे कि मैं स्टूडेंट्स कह रहा था कि हमारे SLO में अप टू 2 डिजिट्स हैं, लेकिन इन नंबर्स के अंदर ये जो सॉरी एग्जांपल्स हैं इनके अंदर मैंने तो 1 डिजिट्स नंबर को ऐड किया. अब सिंपली इसमें ये है कि आप 0 से 1 यूनिट को जो है यानी 0 से 1 जिसे हम कह रहे हैं तो आप 0 से इसे 10 कह ले, आगे 20 आगे 30. तो इस तरह अगर आप 20 को 50 में ऐड करना चाहते हैं तो फिर नंबर लाइंस आप बड़े स्केल की बना लेंगे और यही प्रोसीजर है जिसके थ्रू हमने अभी ऐड किया. तो स्टूडेंट्स आप इसको ऐड कर लिया करेंगे. आज के लेक्चर को अगर हम समराइज करें देखें कि क्या क्या के लेक्चर में हमने पढ़ा है. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एडिशन ऑफ टू लाइक इंटीजर्स पढ़ा. अब लाइक इंटीजर्स में हमारे पास 2 केस थे. द फर्स्ट केस इज दैट बोथ आर विद द पॉजिटिव साइन एंड सेकेंड केस इज दैट बोथ आर विद द नेगेटिव साइन. और साथ हमने ये भी देखा एडिशन ऑफ अनलाइक इंटीजर्स. अब अनलाइक क्या है कि अगर आपका एक इंटीजर पॉजिटिव साइन के साथ था तो सेकेंड इज विद द नेगेटिव साइन. तो वन इज द पॉजिटिव साइन एंड अदर इज विद द नेगेटिव साइन. तो हमने ऑलरेडी इसको पढ़ लिया है. आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको समझ भी आया होगा, आपने गॉट भी किया होगा. रिसोर्सेज की अगर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो फर्स्ट थिंग हमारी क्या है वर्कशीट एंड सेकंड वन इज द क्वेश्चन बैंक एंड थर्ड वन इज द लेसन प्लान, फोर्थ वन इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो स्टूडेंट्स मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ. तो ये था आज का हमारा लेक्चर. मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू.